हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आ गया आप लोगों का कर्सर रीडिंग का जो है वीडियो लेकर। तो अभी तक मैंने आप लोगों को कैपिटल लेटर में ए से डी तक मैंने सिखाया था, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी घर पे और आई होप आप लोगों को आ भी गया होगा। ठीक है, तो अब मैं उसके आगे की राइटिंग दिखाता हूँ, आइए लेट्स सी। तो हम आ गए ई पर, तो ई के लिए आपको करना क्या है, ऐसे ऐसे और ऐसे ई, फिर आता है क्या आता है, एफ, ओके। फिर जी के लिए जी, फिर एच के लिए एच, फिर आता है आपका आई, फिर आता है आपका जे। आई और जे में कोई डिफरेंट नहीं है, खाली एक ही चीज है, हमको इसको इस तरह से कर देने का है और आई को ऐसा करने का है, ओके। फिर आता है के, ओके। फिर आता है एल, फिर आता है एम, फिर आता है एन। तो यहां पर मैंने आप लोगों को जो अक्षर राइटिंग दिखा है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो मैं एक बार फिर से आपको रिविजन करके दिखाता हूं कि किस तरह से मैंने क्या बनाया है। ठीक उसी के ऊपर ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये 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 ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, ओके। तो मैंने इसको आपको बताया है। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था मैंने कि अगर आप लोगों को ये नहीं फा रहा है लिखने में, तो आप लोग एक आइडिया कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको जो सिखाया था डॉट डॉट वाला, फिर उसके बाद इसके ऊपर आपको ऐसे करना है, तो ये वाला प्रोसेस भी आप लोग कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने कर्सिव राइटिंग के नोटबुक में लिखिए, ताकि क्या है आप लोगों का जो हैंड राइटिंग है अच्छा बने और साथ में आप लोगों को कर्सिव की भी हैबिट हो जाए, ओके। फिर आज का वीडियो मैं यहीं पर एड करता हूँ, फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में आगे के वर्ड्स लेकर, ओके।